हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फार्मेसी जोन में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीफॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट वन को, जो कि है प्री फॉर्मुलेशन। और आज का हम लोग का टॉपिक है बीसीएस, यानी कि बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपको फिफ्थ सेमेस्टर में भी पढ़ना है एंड सिक्स सेमेस्टर, यानी जब आप सिक्स सेमेस्टर में बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको बीसीएस सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दोनों ही सेमेस्टर में ये एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। और आज हम लोग समझेंगे कि बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द रेगुलर वीडियोस लेक्चर्स के लिए एंड फ्री पीडीएफ नोट्स के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम ये हमारा एक ऐसा क्लासिफिकेशन सिस्टम है या एक ऐसा टूल है, इसे हम कह सकते हैं, जहां पे हम ड्रग्स को हम उनके सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ये मेन दो फैक्टर हैं कि जहां पे ड्रग्स को बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज अ टूल वेयर वी कैन डिफरेंशिएट द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। ड्रग के जो भी हमारा एपीआई है, जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी कैसी है, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी कैसी है, इसी के बेसिस पे उसको बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में कैटेगराइज किया गया या डिफरेंशिएट किया गया। क्योंकि बायोफार्मास्यूटिकल मतलब क्या होता है, बायो मीन्स होता है, आप सबको पता है, बायो मीन्स है लिविंग, एंड फार्मास्यूटिकल मीन्स की जो भी हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ड्रग प्रोडक्ट जो हम डोजेस फॉर्म बनाते हैं उसको। तो यानी हम अभी डोजेस फॉर्म के बारे में, हमने प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज में हम प्री फॉर्मुलेशन पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोगों ने पढ़ रहा कि कैसे हम फॉर्मुलेशन, किसी कोई भी फॉर्मुलेशन बनाने के पहले कौन कौन सी स्टडी करते हैं, तो उसी स्टडी में हमारा बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी आता है कि यहाँ पे हम फॉर्मुलेशन की जो भी हमारा डोजेस फॉर्म है उसको देखते हैं कि वो बॉडी में किस तरीके से एक्ट करेगा, वो बॉडी में कैसा रिस्पॉन्स करेगा। तो इसको देखने के लिए हम डिजाइन करना पड़ता है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहला जो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम की डिफिनीशन है वो ये है कि इट इज अ टूल इन वेयर ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी पे ही ड्रग को क्यों क्लासिफाई किया जाता है, क्या ये क्यों जरूरी है और हम किसी पैरामीटर पे क्यों नहीं कर लेते। तो ये जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, ड्रग हमारी बॉडी में जाती है, तो बॉडी में ड्रग जाने के बाद, यानी जो हम डोजेस फॉर्म ले रहे हैं, जो हम फॉर्मुलेशन ले रहे हैं, वो हमारी बॉडी में, यानी कि हमने अगर उसका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन मीन्स की ड्रग हमारी ब्लड में पहुंच जाना। एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशन होती है फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओरल जहां से भी हमने लिया, ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होके ब्लड तक पहुंच जाने की प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जब किसी ड्रग का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तभी उस ड्रग का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, यानी जो बायोअवेलेबिलिटी कही जाती है। बायोअवेलेबिलिटी मतलब रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सेल। जितनी अच्छी किसी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी होगी उतना ही अच्छा उसका रिस्पॉन्स होगा। तो बायोअवेलेबिलिटी डिपेंड करेगी किस पे, एब्जॉर्प्शन पे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही ये पहला स्टेप है जहां से ड्रग हमारी ब्लड में पहुंच रही है। और जब ब्लड में पहुंचेगी ड्रग तभी वो ट्रांसपोर्ट होके टिश्यूज यानी साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचेगी और अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो यानी मेन जो ये फैक्टर है किसी भी ड्रग का रिस्पॉन्स देने में वो है एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा तो बायोअवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, बायोअवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो उसका रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आएगा। तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है।
एब्जॉर्प्शन में जो है, एब्जॉर्प्शन में हमारा सबसे पहले जो हम ड्रग प्रोडक्ट लेते हैं वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर डीएग्रीगेशन या डिग्रेनुलेशन होता है, डीग्रेनुलेशन इसे हम कह सकते हैं, और फिर डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन होने के बाद फिर होता है आपका, कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन। तो यानी कि जो आप ये तीन चार स्टेप्स है एब्जॉर्प्शन में, ड्रग हमारी डिसइंटीग्रेट होगी, ड्रग हमारी टूटेगी, उसके लिए हम वहां पे डिसइंटीग्रेंट का यूज करते हैं, एक्सिपिएंट का यूज करते हैं, फिर डिग्रेडेशन होने के बाद ड्रग का डिसोल्यूशन हो जाता है, यानी ये ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में जब हमारी ड्रग डिसॉल्व होती है तब जाके वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से क्रॉस करके वो पहुंचती है इंट्रा, इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये इस तरीके का है, ये हमारी एक क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसे हम कह सकते हैं ब्लड। अब हमारी ड्रग आएगी, जब ड्रग प्रोडक्ट इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिसॉल्व होगी, डिसॉल्व होने के बाद ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां पे पहुंचेगी, आईसीएफ यानी कि इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, फिर उस पर्टिकुलर टिश्यूज को, मतलब जिस भी टिश्यू के, जिस भी ये विद इन सेल पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो जिस भी जहां पे भी ये साइट ऑफ एक्शन में पहुंच रहा है उसके आईसीएफ में पहुंचेगी। तो वो आईसीएफ में तभी पहुंचेगी, मेम्ब्रेन को तभी क्रॉस कर पाएगी जब वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिसॉल्व होगी। तो इसीलिए यानी एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा मेन क्या है, डिसोल्यूशन, फिर फर्दर आईसीएफ में जब तक ड्रग नहीं पहुंचेगी तो वो साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच पाएगी, साइट ऑफ एक्शन पे नहीं पहुंच पाएगी तो वो अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग हमारी कब पहुंचेगी, जब वो डिसॉल्व हो जाएगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, देन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो आईसीएफ। तो यानी ये जो स्टेप है इसे ही हम कहते हैं परमिएशन। तो इसीलिए ड्रग को, किसी भी ड्रग को रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए जो दो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, जिन्हें हम आरडीएस भी कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वो है डिसोल्यूशन एंड परमिएशन। तो इसीलिए ड्रग को बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में दो मेन कैटेगरीज में, उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, पहला सॉल्युबिलिटी एंड दूसरा परमिएबिलिटी। अब हम देखते हैं, हमने ये देख लिया कि क्यों ड्रग को सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ड्रग को किन किन कैटेगरीज में बांटा गया है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी क्या है ये क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले क्लासेस, देन उसकी सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टी, फिर उसकी परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी, एंड फिर उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ड्रग की सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी के हिसाब से, उसके बेसिस पे चार क्लासेस में बांटा गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन्हीं चार क्लासेस में बायो, यानी बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, बेसिस ऑन किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो जो क्लास वन की ड्रग होगी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, हाई, एंड परमेबिलिटी भी हाई। देन क्लास टू, इसकी सॉल्युबिलिटी लो एंड परमेबिलिटी हाई। क्लास थ्री, परमेबिलिटी सॉल्युबिलिटी हाई, परमेबिलिटी लो। एंड क्लास फोर, इसकी परमेबिलिटी भी लो, सॉरी सॉल्युबिलिटी भी लो होगी और परमेबिलिटी भी लो। और इसका जो एग्जांपल है, इसका है प्रोप्रेनोलॉल, इसका है नेप्रोक्सेन, इसका मेटफॉर्मिन क्लास थर्ड का, एंड क्लास फोर का क्लोरथायाजाइड। यही है बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इतना ही है।
ये बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे बायो इन बीसीएस में ड्रग को चार क्लासेस में डिवाइड किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी। जो क्लास फर्स्ट की ड्रग है इसकी सॉल्युबिलिटी हाई और परमेबिलिटी भी हाई। नंबर वन की ड्रग है, नंबर वन क्लास वन की ड्रग है तो सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी अच्छी होगी, तो इसकी सॉल्युबिलिटी भी हाई है, परमेबिलिटी दो। आप तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि चार क्लासेस के बेस, चार ही क्लासेस में क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर, तो क्लास वन की जो ड्रग होगी यानी वो सबसे अच्छी होगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी दोनों हाई हाई। और क्लास फोर की जो ड्रग होगी वो एकदम लास्ट में रखी गई है यानी उसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं अच्छी होगी, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी लो है एंड परमेबिलिटी भी लो है। तो सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी क्लास वन क्लास टू हमने इसलिए इस तरीके से याद कर लिया, सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी दोनों हाई क्लास वन, सॉल्युबिलिटी परमेबिलिटी दोनों लो क्लास फोर। और क्लास सेकेंड की जो ड्रग है इसकी परमेबिलिटी सॉल्युबिलिटी लो है एंड परमेबिलिटी हाई, देन थर्ड सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी लो। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, हाई लो सॉल्युबिलिटी, हाई लो एंड परमेबिलिटी हाई लो। अब इसका हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस तो क्लास वन की जो ड्रग है इसकी सॉल्युबिलिटी भी अच्छी है, परमेबिलिटी भी अच्छी है, यानी ये ओरल डोजेस फॉर्म के लिए बेस्ट ड्रग है। ओरल डोजेस फॉर्म के लिए जो ड्रग्स क्लास वन बाय बीसीएस सिस्टम के क्लास वन में आएंगी वो बेस्ट प्रोडक्ट होंगे, सुटेबल कैंडिडेट होंगे फॉर ओरल डोजेस फॉर्म। देन क्लास सेकेंड की ड्रग की सॉल्युबिलिटी लो है एंड परमेबिलिटी हाई है, तो यानी यहाँ पे जो रेट लिमिटिंग स्टेप होगा वो है आपका सॉल्युबिलिटी। तो इस ड्रग का अगर हमें ओरल डोजेस फॉर्म बनाना है या कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म बनाना है तो उसके लिए हमको इसकी सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करना पड़ेगा। इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा के हम इस ड्रग के और इस ड्रग के ओरल कैंडिडेट या कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म बना सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे इसका जो ओरल एब्जॉर्प्शन होगा वो रिलेटिवली थोड़ा क्लास वन के अपेक्षा की थोड़ा कम होगा। वही क्लास थर्ड यहाँ पे जो आपका रेट लिमिटिंग स्टेप है वो है परमेबिलिटी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके परमिएशन, इसमें हम कुछ परमिएशन इन्हांसर्स को ऐड करके इसके परमिएशन को इम्प्रूव करके इस ड्रग का फॉर ओरल डोजेस फॉर्म के लिए हम बेटर यूज कर सकते हैं। देन क्लास फोर की ड्रग ये नॉट सुटेबल फॉर ओरल डोजेस फॉर्म या कंट्रोल रिलीज डोजेस फॉर्म। ये जो क्लास फोर की ड्रग है चूंकि इसकी सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी दोनों ही कम है इसलिए ये ओरल डोज के लिए सुटेबल नहीं है, बट अगर हमें इसका ओरल डोजेस फॉर्म के लिए यूज करना ही है तो हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स का यूज करके इसकी सॉल्युबिलिटी एंड परमेबिलिटी दोनों को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इस जो क्लास फोर की ड्रग्स है इनका पेरेंटल डोजेस फॉर्म बना सकते हैं या अदर देन ओरल डोजेस फॉर्म में हम इनका यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।